हमारा आज का विषय है बांझपन। बांझपन शब्द को सुनते ही आप लोगों के दिमाग में एक बात आ गई होगी कि बांझपन सिर्फ महिलाओं को होता है। ये आप लोगों का वहम है। जो बांझपन की समस्या होती है पुरुषों को भी समान मात्रा में होती है। यदि किसी महिला का गर्भ नहीं ठहर रहा है तो जरूरी नहीं कि उसमें महिला की ही कमी हो, उसमें कहीं ना कहीं पुरुष की भी कमी होने की जो है क्षमता होती है। तो यदि बांझपन किसी लेडीज को है तो जो जांच करवाई जाती है वो महिला और पुरुष दोनों की करवाई जाती है और दोनों की ही दवा चलवाई जाती है ताकि अच्छे गर्भ की स्थापना हो, अच्छी संतान की प्राप्ति हो और संतान ऐसी हो जो बार बार बीमार ना हो। आजकल जो बार बार गर्भ गिर रहे हैं, 2 महीने में गर्भ गिर गया, 3 महीने में गर्भ गिर गया, या बच्चे ऑपरेशन के बिना पैदा नहीं हो रहे हैं, या बच्चे पैदा होते ही लंगड़े लूले हो रहे हैं, या पैदा होते ही मर जाते हैं, या आज से लगभग 10 साल पहले किसी का गर्भ ठहरा था, दोबारा एक बार गर्भ ठहरने के बाद दोबारा ऑप्शन ही नहीं आया उनके पास, या बच्चे पैदा होते ही शीशे में लगा देने, या बच्चा गर्भ में है, आज उल्टा है, आज ये है, आज बच्चे की धड़कन बढ़ गई है, आज धड़कन कम हो गई है, या बच्चे को ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इन सारी समस्याओं का हल आज इस वीडियो के माध्यम से है। सबसे पहले आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद का जो कथन है वो ये है कि फल यदि हमें उत्तम चाहिए तो हमें पौधे भी उत्तम चाहिए, और यदि हमें पौधे उत्तम चाहिए तो हमें बीज और भूमि भी उत्तम चाहिए, और बीज और भूमि उत्तम हो इनसे भी कुछ नहीं होता, साथ में हमें घर का वातावरण, जो हमारा खेत है वहाँ का वातावरण भी उत्तम चाहिए। यदि आप दादा हैं या आप दादी हैं, या आप पिता बनना चाहते हैं, या आप माँ बनना चाहती हैं, या आप चाचा बनना चाहते हैं, या आप ताऊ बनना चाहते हैं, या आप बुआ बनना चाहती हैं, या आप चाची ताई बनना चाहती हैं, तो आपको जिस महिला को ये समस्या है बांझपन की, अब उनकी रिपोर्टों में सब कुछ नॉर्मल आता हो या रिपोर्टों में समस्या आती हो ये अलग विषय है, हालांकि ये भी इसी वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। सबसे पहले आपको उनको अच्छा वातावरण देना होगा, उनको हौसला बढ़ाने वाले आपके विचार होने चाहिए, उनके प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, उनके प्रति आपके मन में शांति होनी चाहिए और उनके प्रति आपके दिल में सद्भावना होनी चाहिए और आपके मन में भी इच्छा होनी चाहिए कि वो जल्दी से इस काम को पूर्ण करें। और महिला और पुरुष, पुरुष को यहाँ पर बीज माना गया है और महिला को माना गया है भूमि। यदि भूमि अच्छी है और बीज खराब है तो भी फसल उग तो सकती है, लेकिन उगने के बाद उसको जल्दी जल्दी बीमारियां जकड़ती हैं और वो फसल अच्छा फल नहीं दे पाती, वो पौधा अच्छा फल नहीं दे पाता। तो भूमि भी उत्तम होनी चाहिए और बीज भी उत्तम होना चाहिए। भूमि है महिला का गर्भाशय और बीज है पुरुष का वीर्य। ये दोनों अच्छे होंगे तो संतान अच्छी होगी, गर्भ नहीं गिरेगा, बार बार गर्भ नहीं गिरेगा, बार बार बच्चा बीमार नहीं होगा, हॉस्पिटल में जाकर के उसको शीशों में नहीं लगाना पड़ेगा, प्रेगनेंसी होते ही दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, और बच्चा 2 साल तक खांसी जुकाम भी ना हो बच्चे को, वो भी काम होगा। और गर्भ में जब बच्चा है तो महिला को और गर्भ को कोई समस्या ना हो, वो भी इसमें जो है काम करेगा। तो महिला को और पुरुष को दोनों को फल कल्याण घृत खाना चाहिए, 10-10 ग्राम दिन में, यानी 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को दूध में डाल करके। सुपारी पाक 1 बड़ी चम्मच सुबह, 1 बड़ी चम्मच शाम को जो है पुरुष को और महिला को दोनों को खाना चाहिए, और फल शतावरी घृत महिला को खाना चाहिए। यदि ये 3 चीजें महिला और 2 चीजें पुरुष, पुरुषों को मैं बता दूं कि आपने अब तक सुना होगा कि सुपारी पाक तो महिलाओं के लिए दिया जाता है, नहीं, अच्छी गुणवत्ता का अच्छा सुपारी पाक पुरुष और महिला दोनों को खाना चाहिए। इन दोनों की बहुत सारी समस्याओं को खत्म कर देता सुपारी पाक, लेकिन शर्त है कि वो अच्छा और गुणवत्ता युक्त तो होना चाहिए। आपके आसपास जो भी कोई वैद्य हो उससे बनवा लेना, अच्छा रहेगा। कंपनियों में चक्कर में मत पड़ना, कंपनियों में वो गुणवत्ता नहीं मिलती जो हमें चाहिए, ठीक है। और जो है
ना गर्भ गिरेगा, ना बच्चा गर्भाशय में बीमार होगा, ना महिला बीमार होगी, ना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ये चीज़ें आप प्रयोग करते हो तो ना बच्चा जो है पैदा होते ही बीमार होगा, ना उसकी धड़कन कम होगी, ना उसको ऑक्सीजन की कमी होगी गर्भ में, ना जो है वो 2 साल तक खांसी होगी, ना जुकाम होगी, ना बुखार होगा। इन सभी चीज़ों के ऊपर ये 3 चीज़ें काम करेंगी। हमने 29 लोगों पर इसका प्रयोग किया है, 28 का रिजल्ट आ चुका है, उन सब का रिजल्ट पॉजिटिव है, बड़ा अच्छा है। 28 जोड़े तो जो हैं माता पिता कहलावाने लगे हैं कि उनको पुरुष को पिता और माता महिला को माता कहने वाला इस धरती पर आ गया है। और जो एक है वो 4 महीने बाद, जो 29वां जोड़ा है हमारा, वो 4 महीने बाद हमें शुभ संकेत देने वाला है। ठीक है, इसमें ये तो नहीं है कि आपको बच्चा लड़की के रूप में होगा या लड़के के रूप में होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है इसके अंदर। और लेकिन जो होगा वो श्रेष्ठ होगा, उसकी बुद्धि उत्तम होगी, उसका स्वास्थ्य उत्तम होगा, वो आपको आगे भविष्य में चलकर भी जो है दुविधाएं नहीं देने वाला। उसके बुद्धि ऐसी होगी, यदि आप उसको अच्छे संस्कारों में लगाओगे तो वो अच्छे संस्कारों को पकड़ेगा, क्योंकि ये आपके जो विचार होंगे उन्हीं विचारों पर वो चलेगा। उसके बाद इन चीज़ों को 3 महीने तक खाना है, लगातार 3 महीने तक खाना है पुरुष को और महिला को। तीसरे महीने जो है 3 महीने तक महिला और पुरुष दोनों का परहेज होना चाहिए, परहेज दोनों का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को धोखा दे दे, दोनों का ही होना चाहिए। 3 महीने बाद जब महिला को डेट आती है, मासिक आता है, मासिक के 5 दिन बाद, जब मासिक रुक जाए उसके 5 दिन बाद जो हम महिला और पुरुष मिलेंगे और दोनों मिलकर के जो संतान उत्पन्न होगी वो उत्तम होगी, श्रेष्ठ होगी। उसके बाद महिला को 9वें महीने तक, 8वें महीने तक इस चीज़ का सेवन करना है, और पुरुष को जब तक इसका सेवन करता है करना है, जब तक ये निश्चित ना हो जाए कि ये जो बीज है जो वो लग गया है, उगाया है, इसका रिजल्ट हमें मिल गया है, यानी लगभग 4 से 5 महीने तक पुरुष को इसका सेवन करना है। जैसे आज पुरुष और महिला मिले हैं, आज मिले हैं, कल भी मिले और परसों भी मिले, 3 दिन मिले, उसके बाद परहेज शुरू। उसके बाद जब तक परहेज रखना आपको, जब तक गर्भ ठहर नहीं जाता, क्योंकि यदि आप लगातार इस प्रक्रिया में रहे लगे रहे तो हो सकता है बाई चांस 1% चांस होता है कि इस बार ना रुका हो तो वो अगली बार रुक जाए, 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसी जानकारी आप यहाँ पर और भी ले सकते हो। आप जो है यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे जब कभी भी हम कोई वीडियो अपलोड करें इसके ऊपर तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। नमस्कार, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गो माता।